आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। सपा और भाजपा का गठबंधन होने के बाद बिजनौर में बीएसपी कार्यालय पर सपा भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कह रहे जीत अब हमारी होगी। इस मौके पर मौजूद सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष दिलशाद अंसारी व भाजपा के नगर अध्यक्ष सद्दाम राणा व आदि कार्यकर्ता रहे। हो गया। अबे मिठाई तो ले लो। ये तो 25 पार्टी का जो महागठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। यह गठबंधन जनता की पसंद का गठबंधन है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को भारी जीत हासिल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का सुपरसाव होने वाला है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तिमोत प्रधान वक्तार रायन बलबीर सैनी बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर आए और सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुझे मिठाई कराया और इस गठबंधन पर खुशी का इजहार किया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सद्दाम राणा, बसपा नगर अध्यक्ष बिजनौर। आज जो समाजवादी के कार्यकर्ता दिलशाद अंसारी नगर अध्यक्ष समाजवादी के नेतृत्व में बसपा पार्टी कार्यालय में आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज बसपा के कार्यकर्ता और समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जिससे आने वाले जो बहन जी का 15 तारीख को जन्मदिन है वो बहुत धूमधाम से ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। वो जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नींद देश के अंदर से उड़ गई है। ना तो रातों को नींद है ना दिन में चैन है, क्योंकि ये गठबंधन जनता को इंसाफ दिलाएगा। जो संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जो साजिश रची है, संविधान खत्म करने का काम क्या है, उसका मूर्त और जवाब 2019 के चुनाव में दिया जाएगा। जब समाजवादी के नगर अध्यक्ष दिशान सारी साहब, वक्कार राइन साहब, प्रमोद कुमार प्रधान साहब पार्टी कार्यालय में आए तो उन्होंने बसपा वालों समाजवादी पार्टी को मिठाई खिलाकर इस खुशी का इजहार किया कि और आपको मालूम है कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार है वो बहन कुमारी मायावती जी हैं और ये जनता भी बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और ये सपना 2019 में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा।